हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायो केम क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप डियर स्टूडेंट आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो डियर स्टूडेंट, आपके लिए हमने कुछ अच्छा लॉन्च किया है। इस हिसाब से क्लास ट्वेल्थ की बायोलॉजी वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और यहाँ पर जितनी भी क्लास आपको दी जाएगी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, और चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पूरा समराइज करके आपको दिया जाएगा। तो आपको करने क्या है, जितने भी लेक्चर आने हैं आपको पूरा अंत तक देखना है, साथ के साथ आपको नोट्स भी बनाते जाना है, नहीं तो बस ऐसे ही रिविज़न आपको केवल वीडियो देख लेना है। आपको लास्ट टाइम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है आपके लिए। तो आपने करना क्या है, जितने भी लेक्चर आएंगे आपको लेक्चर को अंत तक देखना है, और साथ के साथ आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट फिगर को भी आप नोट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पर होगी। तो आप डियर स्टूडेंट, आपके लिए ये आप ज़रूर जितने भी लेक्चर आएंगे आपको ज़रूर देखना है, और बाकी जो भी स्टूडेंट आपके कम्युनिटी में हैं आप उनको भी शेयर करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ेंगे तो समझ पा रहे हैं, एक अच्छा रिस्पांस आएगा कि उनको भी सबसे उनका भी भला हो जाए भाई इसी सारे। और आपको करना क्या है, जितने भी लेक्चर हैं आपको अच्छे से देखने हैं। और एक बात आपको बता दें, ये जितने भी आपको लेक्चर मिलने वाले हैं ये एक मैराथन क्लास के रूप में होंगे, ये एक घंटे से ज़्यादा हो सकते हैं, दो घंटे तक, यानी कि जब तक समझ पा रहे हैं चैप्टर नहीं समाप्त हो जाता तब तक, कुल मिला के जब तक फोन साथ देगा वीडियो बनने तक तब तक वीडियो बनाता जाएगा, तब तक वीडियो मतलब लेक्चर रिकॉर्ड होगा, क्योंकि कभी कभी ये फ़ोन जो है हमारा समझ रहे हो थोड़ा सा मतलब वीडियो एक दो घंटे के बाद अपने आप ऑटोमेटिक एक डेढ़ घंटे बाद बंद हो जाता है, क्योंकि इसमें स्टोरेज बोल देता है फुल हो गए, तो जिस वजह से, नहीं तो एकदम हमने सोचा था एक ही क्लास में पूरी बायोलॉजी को कवर अप करने के लिए, लेकिन उसका भी विशेष मतलब नहीं निकलता, आप उसका उसको पूरा लास्ट तक देखते नहीं, थोड़ा भगा भगा कर देखते। तो हमने इम्पॉर्टेंट जितने भी चैप्टर हैं मतलब कि सबको लिया जाएगा, और सभी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से उसको निचोड़ करके उसको आपको दिया जाएगा। और एक बात आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताएं कि आपको पता होना चाहिए कैसे आखिर पता चलता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, कैसे आप पता करते हैं। भैया आपको पता होना चाहिए, आपकी जो भी एग्जामिनर होते हैं आपका सिलेबस तो होता है 100%, लेकिन उसमें से 50% पार्ट ऐसा होता है जो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना, यानी कि जो सिलेबस में 50% पार्ट ऐसा होता है जो कि एग्ज़ाम का ट्रेंड होता है, एग्ज़ाम का जो ट्रेंड का हिस्सा होता है वही पर ईयर वहीं से उसी टॉपिक से संबंधित आप क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप सॉल्व किए होंगे, अगर नहीं सॉल्व किए हैं तो आप देख सकते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको एक बात कंफर्म होगी कि हर साल उसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हर साल आपके डबल फर्टिलाइजेशन से प्रश्न कहीं ना कहीं बन रहा है, हर साल आपके प्रश्न बन रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर फ्रूट से, देन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, मतलब कि कोई भी टॉपिक ले लो वहाँ से प्रश्न बन ही रहे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का कोई भी चैप्टर हो क्लास ट्वेल्थ में, तो बायोलॉजी में एनी सब्जेक्ट खास करके बात करें, तो हमको ये पता करना होता है कि जो 50% पार्ट है जो एग्जामिनर जो ट्रेंड का हिस्सा है भाई, ट्रेंड का हिस्सा मतलब जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है उसी टॉपिक से संबंधित, ये कैसे आएगा, जब आप पुराना पेपर सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिक आपको चीज़ें पता चलेगी कि हाँ भाई ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको हम करना है। तो हमने ये तो आपके लिए पहले से ही कर दिया है, इम्पॉर्टेंट क्या टॉपिक है ना, खास करके बायोलॉजी के लिए। तो आपको करना ही क्या है, जितने भी लेक्चर आए आपको उसको अच्छे से वॉच करना है, अंत तक देखना है। और एक बात, ये आप जो वीडियो देखने वाले हैं, आप लेक्चर आगे जो आपको मिलेगा उस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर है ये लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है, क्योंकि हमने सोचा था कि एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर कवर अप करने के लिए, तो हमारा जो फ़ोन है पूरा साथ नहीं दे पाया, जिसकी वजह से इसमें कुछ पार्ट अभी भी रह गया है, जैसे डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाना है आपको, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो भी है उसको भी पढ़ाने हैं,
तो इसके अलावा पॉलिनेशन भी है। तो तीन टॉपिक इसमें थोड़ा सा छूट गया है, तो उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न तीनों टॉपिक से भी पूछा जाता है। तो आपको करने क्या है, समझ पा रहे हैं, वीडियो ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मतलब एक डेढ़ घंटे के आसपास, तो आपको सीधा से लेक्चर को देख लेना है। अगर कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आता है, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आप स्टार्ट करिए लेक्चर को, तो कोई दिक्कत आता है तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे डियर स्टूडेंट। तो आपको करने क्या है, लेक्चर को सीधा से देखना है, क्योंकि ये लेक्चर बनाने में एक मेहनत लग रही है, तो आपको भी फर्ज बनता है, आप इस लेक्चर को देखिए। समझ पा रहे हैं, ऐसा वैसा नहीं है कि जैसे मन कर दे रहा है बस बना दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक प्रॉपर मेहनत हो रही है डियर स्टूडेंट, तब जाके लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। आपको पता होना चाहिए आज हमने बहुत कम नींद भी लिया है इस लेक्चर के कारण, समझ पा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, लेक्चर को अंत तक देखने हैं। तो चलिए वीडियो में मिलते हैं, देन बेस्ट ऑफ लक फॉर दी यूपी बोर्ड एग्जाम, फॉर दी जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत मतलब कि बहुत बड़ी विशेष है हमारी तरफ से। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो मतलब कि हमने मतलब वहाँ पर आपकी विदाई में नहीं पहुँच पाए थे, तो कुछ विद्यार्थी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे, उन बहुत मतलब कि ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे कि हमारे लिए सर मतलब कुछ नहीं कर रहे, हम लोग इतने बुरे हैं कि जो मतलब आए नहीं, बहुत सारी बातें बोला उन्होंने, तो हमको मतलब कि अंदर से एक बार तो बुरा लगा काफ़ी। तो कुछ स्टूडेंट प्रॉब्लम थी, हमने नहीं आ पाए, तो उसके लिए आपके लिए हम तो कुछ तो कर रहे हैं भाई, आपके लिए इतना मतलब कि समझ पा रहे हो, आप उसको समझ नहीं सकते फीलिंग, आपके लिए हम क्या क्या सोचते हैं, सोचते हैं आप बहुत आगे जाओ लाइफ में, बहुत कुछ करो। तो स्टूडेंट समझ पा रहे हो ना, आना या ना आना अपनी एक अलग सिस्टम है, और रही बात आपको समझ पा रहे हो, सीधा से क्लास को अटेम्प्ट करना है और बोर्ड एग्जाम को अच्छे से फोड़ना है, और आगे भी आप बने रहिएगा, देन चलिए वीडियो मिलते हैं, देन बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट।